सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, पाइए सभी तरह की अपडेट सबसे पहले, तो सब्सक्राइब कीजिए अभी। हाय दोस्तों, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फॉर्म आते ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तो कि आज फॉर्म आए हैं और मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको किसी कोर्सेज के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि भाई बी कॉम का क्या सिलेबस है, बी कॉम ऑनर्स का सिलेबस क्या है, या कंपैरिजन करना है बी कॉम ऑनर्स में और पास में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, जिनके मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, और अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो आप वेबसाइट खोलेंगे, तो जब नए नए फॉर्म आए हैं तो यहाँ पे तो पॉपअप आपको खोलते ही मिल जाएगा कि भाई फॉर यू जी एडमिशन क्लिक हेयर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरे सामने एक टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें कि बेसिक सी डिटेल, जैसे कि आपसे आपका नेम मांगा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर, और फिर ये कोड मांगा गया है आपसे। इसके बाद जब आप ये बेसिक सी डिटेल अपनी फॉर रजिस्ट्रेशन फिल कर देंगे, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे एसएमएस जाएगा, जिसमें कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको गिवन होगा। लॉगिन आईडी तो वही आईडी होगी, ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड की गई होगी, और पासवर्ड आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दे देगा। जैसे कि मेरे सामने ये मेल आ गई है, जिसमें कि मेरी यूज़र आईडी मेरी ईमेल आईडी ही है, और जो पासवर्ड है वो मुझे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने दे दिया है। अब इसके थ्रू मुझे क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। वो जो पेज है जहाँ से हमने इसको साइन अप किया था, वहीं पर आप लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं वहां से लॉगिन कर सकता हूं। अगर आपसे वो वाला पेज डिसेबल हो गया है, तो वहां पे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की साइट पे जाके भी लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और वहां पे आप अपनी यूजर आईडी डालेंगे और आप अपना पासवर्ड डाल के इसको सबमिट करके लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, ये आपसे पूरा फॉर्म मांगेगा। सबसे पहले आपसे कोर्स की डिटेल मांगी गई है, आपको कौन सा कोर्स करना है। देखिए यहाँ पे जितने भी कोर्सेज एसओएल में है वो अवेलेबल है, आपको जो भी कोर्स करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप डालेंगे मीडियम, की कौन से मीडियम में आपको इस कोर्स को करना है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद डालेंगे कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल जो भी आप पे अप्लाई होता है, टाइप ऑफ स्कूल, किस तरह के स्कूल से आपने ट्वेल्थ किया, प्राइवेट, केवी, गवर्नमेंट, जिससे भी किए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, तमिल, ये जो पाँच लैंग्वेज है इसके बारे में ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी क्लास तक स्टडी की है। अगर आपने जैसे पंजाबी, उर्दू, तमिल या कोई भी लैंग्वेज स्टडी नहीं की है तो नन फिल कर दीजिए और जिस क्लास तक की है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड की डिटेल मांगेगा, टेंथ और ट्वेल्थ के आपके किस साल में आपने पास किया है, उसका रोल नंबर और जो मार्क्स आपने ऑप्टेन किए हैं वो। जो टेंथ की डिटेल है वो तो सिंपली आपकी फेल हो जाएगी, पर अगर हम बात करें ट्वेल्थ की, तो उसमें की दो बोर्ड CBSE NIOS जो है उनके जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन आपको यहीं वेरीफाई करने होंगे, अपना रोल नंबर, स्कूल कोड, एग्जाम सेंटर कोड दे के। इसके अलावा कोई और रिजल्ट है तो वो उसकी सिंपल डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उसको वेरीफाई करेंगे फिर। और इसके अलावा जिस CBSE और वो वाले बोर्ड हैं, तो आपको यहाँ पे चेक का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना होगा। स्कूल कोड और एग्जाम सेंटर कोड डालने के बाद ये अपनी आपका जो रिजल्ट है वो फिल कर लेगा। जैसे ही आप ये कोर्स बोर्ड की डिटेल अपनी फिल कर देंगे, और फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला डेटा सेव हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले आ रहा है कैंपस। कैंपस दो है, नॉर्थ और साउथ, पर अगर आप ऑनर्स कोर्सेज करते हैं तो वो नॉर्थ में अवेलेबल होता है, तो अगर आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो आप, क्योंकि मैंने बीए प्रोग्राम सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ मेरे से दोनों पूछ रहा है। ऑनर्स कोर्सेज के लिए नॉर्थ होता है। अपना नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालने हैं एज पर डॉक्यूमेंट ही डालिएगा, जो भी आपके टेंथ में और ट्वेल्थ में जो भी चली आ रही हैं, नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फादर नेम डालिए, मदर नेम डालिए, सब कुछ डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालना। एड्रेस डाल दीजिए आप अपना, पिन कोड डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, मोबाइल नंबर बड़े ध्यान से डालिएगा यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी होती है एसओएल के साथ वो आपके मोबाइल के थ्रू ही होती है मोस्टली, तो मोबाइल पे आपके एसएमएस आएंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर कभी फ्यूचर में चेंज हो जाता है या एड्रेस आपका चेंज हो जाता है, तो उसको आप एसओएल से चेंज करा सकते हैं। इन दोनों, मोबाइल नंबर और एड्रेस, दोनों ही टॉपिक पे मेरी अलग अलग वीडियोज हैं, तो भविष्य में आप उसको रेफर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल लेगा, जेंडर डालिए, उसके बाद बैंक डिटेल्स मांग रहा है आपसे, मेरे डिटेल स्टेटस के बाद बैंक अकाउंट होल्डर का नेम मांगा है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक के नेम एंड ब्रांच, आईएफएससी कोड मांगा है। तो ये बैंक अकाउंट की डिटेल आपको डालनी है, और ध्यान रखिएगा जब हम आगे जाएंगे तो ये आपसे चेक की कॉपी भी मांगेगा, तो मेक श्योर कि आपके पास उससे अटैचिंग प्रूफ चेक की कॉपी आपके पास हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको जो भी आपका स्टेटस है वो डालना है, डिफेंस एम्प्लॉई, क्रॉस एनुअल फैमिली इनकम सिलेक्ट कर दीजिए, रिकॉर्ड के लिए मांगते हैं एसओएल। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वांट टू अवेल फी कंसेशन। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं फी कंसेशन में, तो वो आपसे कहेगा कि आपके पास इसका इनकम सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए, फिर वो बाद में आगे आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स अपलोड करने के लिए मांगेगा। तो ये अगर आपके पास
आप एलिजिबल हैं और लेना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो ही लीजिएगा। दूसरा है डू यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर आप यहाँ पे इसको यस करते हैं तो फिर अगला ऑप्शन है सिलेक्ट द फाइनेंशियल असिस्टेंट कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे इसको यस करते हैं तो दूसरा वो पूछेगा किस कैटेगरी में आप फाइनेंशियल असिस्टेंट लेना चाहते हैं। उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट इशू डेट मांगेगा, और जब हम लास्ट में अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा जिसके बेसिस पे आपने यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट ली होगी। तो जो ये दो ऑप्शन है ये तभी सिलेक्ट कीजिएगा अगर इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं और आप इस फैसिलिटी को लेना चाहते हैं तो। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर मांगा है आपसे, वांट टू अवेल बुक बैंक फैसिलिटी। SOL एक बुक बैंक की बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो आप उस पर यस कर दीजिए। उसके थ्रू फिर आपको बुक्स मिल जाती हैं SOL के लाइब्रेरी के थ्रू, बुक बैंक के थ्रू, सॉरी लाइब्रेरी की फैसिलिटी तो मिलती है, बुक बैंक के थ्रू बुक्स आपको मिल जाती हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। फिर कंप्यूटर नॉलेज आपको है, यूज ऑफ इंटरनेट आप करते हैं, ये सब रिकॉर्ड पर्पज के लिए है। डू यू हैव योर कंप्यूटर एट होम, ये सब डाल दीजिए। कोर्स आपने जो 12th है बेसिकली आर्ट्स कॉमर्स साइंस अदर किससे किया वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद योर ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर मांगा है, पता है तो डाल दीजिए वरना छोड़ दीजिए, सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। योर प्रेफरेंस टू रिसीव द स्टडी मटेरियल, प्लीज टेक एनी वन फ्रॉम द गिवन। अब स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए एक तो कह रहा है सॉफ्ट कॉपी में चाहिए आपको, CD पेन ड्राइव में लेंगे या फिर हार्ड कॉपी लेंगे या फिर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे स्टडी मटेरियल। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव होके फिर ये आपसे मांगेगा सब्जेक्ट डिटेल। अब देखिए जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर कोर्स का अपना सिस्टम होता है, जैसे बीकॉम ऑनर्स में भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है और कुछ कंपलसरी। ऑप्शनल में फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है 4-5 सब्जेक्ट में, अभी ये प्रोग्राम में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो जो भी आप कोर्स करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वाला पेज आपका। जैसे मेरे में यहाँ पे A1, 2, 3, 4 पेपर 4 के बारे में पूछा है, कंपलसरी है जैसे ये पेपर नंबर 1। अब इसने पूछा है कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, तो जहाँ पे भी चॉइस की ऑप्शन होती है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश A ही आ रहा है, फिर नीचे जैसे MIL पे आया तो हिंदी। अब जहाँ पे जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन में मेरे पास चॉइस की ऑप्शन है, तो जहाँ पे मेरे पास चॉइस की ऑप्शन है जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए होगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद ये आपसे मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको बड़े ध्यान से और यहाँ पे इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे फोटो की बात करें तो लेस देन 24 KB बोला है, उसके बाद PDF में जाएंगे तो 2-2 MB तक की लेंगे PDF मैक्सिमम, और सिग्नेचर 12 KB तक का। तो ये साइज वाली रिक्वायरमेंट आप देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको अपनी फोटो डालनी है, उसके बाद अपना सिग्नेचर डालना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद देखिए ये मांग रहा है 10th का सर्टिफिकेट। अब 10th का सर्टिफिकेट के लिए दो ऑप्शन है, एक तो कह रहा है फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में उसको वहाँ पे फेच लिंक कर सकते हैं और डिजिटली साइन भी हो जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अवेलेबल हैं या फिर अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू इसको लिंक करके अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको करना होगा फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक, जैसे ही आप फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे ये आपकी ID मांगेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो ठीक है, वरना क्रिएट एन अकाउंट करके आप डॉक्यूमेंट को वहां पे लिंक करके फिर यहां से उसको लिंक कर सकते हैं। साइन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं डिजी लॉकर पे, तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद वो मेरे को दिखा रहा है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ उसको लिंक कर सकता हूँ। अगर आपको डिजी लॉकर के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपके पास आपके 10th के सर्टिफिकेट और जितने भी आगे डॉक्यूमेंट हैं इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो उसको आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। 2 MB तक का मैक्सिमम साइज होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले अपलोड करना होगा यहाँ पे, फिर 12th की मार्कशीट मांगी है लेस देन 2 MB, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांग लिया 12th का, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे अगर आप पे अप्लाई होता है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप कर दीजिए यहाँ पे अपलोड, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट। अब देखिए मैंने आपको बताया था इनकम सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल असिस्टेंट सर्टिफिकेट ये आपको तभी अपलोड करने हैं जब आपने वहाँ पे जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे रेलिवेंट डिटेल्स पे इसको अवेल की है फैसिलिटी को, तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कैंसिल चेक, मैंने आपको बताया था कि कैंसिल चेक या फिर फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, मतलब इन दो में से कोई भी आप एक उस अकाउंट की अपलोड कीजिए जिस अकाउंट की डिटेल आपने वहां पे फिल की है, तो वो आपको यहां पे अपलोड करनी है। उसको अपलोड करने के बाद 12th कंपार्टमेंट मार्कशीट अगर आप पे अप्लाई है तो कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट तो अपलोड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक होएगा। उसके बाद इसने क्या किया, सारी चीजें आपको अपनी ब्रीफ कर दी कि भाई आपने ये भरा है, तो गलती प्लीज मत कीजिएगा, यहाँ पे अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा सारी डिटेल फिल करते वक्त अपनी एक बार फिर से। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फिर से देखना चाहते हैं तो आप व्यू करके देख भी सकते हैं यहाँ पे जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं।
अपना ध्यान से देख कीजिए, चेक कर लीजिए और सब कुछ ओके के बाद आप वेरीफाई एंड कंफर्म में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको दिखाएगा फीस, आपका बारकोड, फीस बारकोड, नाम वगैरह दिखाएगा। और यहाँ पे दो गेटवे हैं, ICICI और IDBI। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ICICI बैंक की नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड होना चाहिए, ये सिर्फ एक गेटवे होता है। आपके पास किसी भी बैंक का ATM कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, ये तो एक सिर्फ एक गेटवे है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। तो मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो कोई भी बैंक का ATM हो, आप सीधा कोई से भी प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर लीजिए, ICICI या IDBI। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछा कैसे आपको पे करना है, नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से करना है, अपने क्रेडिट कार्ड से करना है, UPI से करना है। तो जैसे ही आप जिस भी ऑप्शन पर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कन्वीनियंस फी चेंज होती रहेगी और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आएगा। और फिर आपको अपना कार्ड नंबर वगैरह डाल के और जो भी OTP का, हर बैंक का अपना प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू फी पे कर देनी है। जब आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको वहाँ पे एक पेज आ जाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, और आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, फी की रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। फी की रिसिप्ट मिलने के बाद आपको अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर लेना है, वो भी आपको मिल जाएगा। आईडी कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप उसका कलर प्रिंट आउट लेके, उसको स्कैन कलर प्रिंट आउट लेके आप उसको लैमिनेट करवा के अपने पास रख सकते हैं। अब आपका, आपके हैंड से तो एडमिशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उसको चेक करते रहिए, वो हमेशा ऑन रखिए, और ऐसे वैसे जो भी कम्युनिकेशन आती है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। अभी के लिए बाय-बाय दोस्तों, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट होता है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड कोई और भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट करिए दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहें फटाफट से। बाय-बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।